नमस्ते दोस्तों, ज्ञान पर्व में स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें अपनी शक्तियों का घमंड हो जाता है। हम कई बार अपने सामने वाले इंसान की क्षमताओं को नजरअंदाज करके उसे कमजोर और खुद को बड़ा शक्तिशाली समझने लगते हैं। क्या ये करना सही है? चलिए मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाता हूं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान चल रहा था। अर्जुन का तीर लगने पे कर्ण का रथ 25-30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2-3 हाथ पीछे खिसकता था। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण थे कि कर्ण के वार की प्रशंसा किए जाते थे और अर्जुन की प्रशंसा में कुछ न कहते। अर्जुन बड़ा व्यथित हुआ और श्री कृष्ण से पूछने लगा, हे केशव, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की वजह उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पे हनुमान जी, पहियों पे शेषनाग और सारथी रूप में खुद नारायण है। उसके बाद भी उसके प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी पीछे खिसकता है तो उसके पराक्रम की प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और श्री कृष्ण से कहने लगा कि आप पहले रथ से उतर जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और रथ से पहले उतर जाओ। अर्जुन रथ से उतर गया और उसके उतरने के बाद जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही आग की लपटों में जलकर भस्म हो गया। वैसे तो वो रथ कर्ण के प्रहारों से कब का भस्म हो चुका था, पर स्वयं नारायण रथ में विराजे थे इसीलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, जीवन में अगर कभी सफलता मिले तो घमंड मत करना। कर्म तुम्हारे है, आशीष ऊपर वाले का है और किसी को परिस्थिति वश कमजोर मत आंकना। हो सकता है उसके बुरे समय में भी वो जो कर रहा हो वो आपकी क्षमता के भी बाहर हो। लोगों का आकलन नहीं, उनकी सहायता करें। धन्यवाद।